खबर मणिपुर से, यहां बीती रात फिर से हिंसा हुई है। विष्णुपुर में सेना ने बफर जोन जो बनाया था उसी जगह पर हिंसा हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और बीती रात कई घरों में आगजनी की गई। बफर जोन का क्वाटा इलाका है जहां पर यह हिंसा हुई, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। गुरुवार को भी इसी इलाके में बफर जोन क्रॉस करने को लेकर हंगामा हुआ था, तब सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे थे और सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर निकली हुई थी। और दोनों ही समुदायों की अगर बात करें तो तनाव है दोनों के बीच और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंसा, झड़प, आगजनी, तोड़फोड़ और गोलीबारी, वो रुकने का थामने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर राइफल्स के जवान असम राइफल्स पर भड़क रहे हैं। महिलाएं असम राइफल्स के खिलाफ गो बैक के नारे लगा रही हैं। मणिपुर में बंटवारे की रेखा कितनी गहरी है, ये कल विष्णुपुर से भी साफ साफ दिखी। जरा देखिए, एक तरफ मैतेई समुदाय की महिलाओं का जमावड़ा है, बीच में सुरक्षा बलों की दीवार है, दूसरी तरफ कुकी समुदाय की आबादी शुरू हो जाती है। ये बफर जोन है, यानी वो इलाका जहां ना कुकी का वर्चस्व है ना मैतेई का। और ये बफर जोन आज की तारीख में मणिपुर में कई हिस्सों में हिंसा रोकने का जरिया बन गया है। ये हिंसा के निशान है, हालांकि जो पुलिस शेल्स फायर हुए हैं, पुलिस इनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है और वहां से इतनी भारी भरकम गोलाबारी हुई है, ईंट पत्थर के निशान, पूरे इलाके में सिर्फ धुआं भरा हुआ है। जो महिलाएं थी वो छुप गई हैं, देखिए कई पुलिस वालों जिनकी आंखें जल रही हैं वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों को चोट आई है गंभीर। और देखिए दूसरी तरफ तमाम पूरा जो हुजूम है उनको यहां से लगभग 300 मीटर पीछे कर दिया गया है। यहां एक तरफ अख्तरबंद गाड़ियों में मणिपुर पुलिस है और दूसरी तरफ केंद्रीय बल है जो कि बफर जोन की पर तैनात है, ये कोशिश में कि लोग आगे ना जाए ताकि जो स्थिति है वो ज्यादा हिंसक ना हो, हिंसा ना बढ़के। विष्णुपुर में सुरक्षा बलों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी क्योंकि बफर जोन पार कर ये महिलाएं आगे बढ़ जाती तो मामला बेहद बिगड़ जाता, उधर से भी जवाबी कार्रवाई हो जाती और हालात संभालना मुश्किल होता। विष्णुपुर में कल जो कुछ हुआ उसका असर इम्फाल तक हुआ है। इम्फाल शहर में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। सिर्फ सीमावर्ती इलाके ही नहीं बल्कि तनाव की स्थिति अब आपको शहरों में भी दिखाई पड़ेगी। हम इम्फाल शहर के बीचों बीच में हैं और यहाँ पर भी जगह जगह पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं और पूरा इलाका सील किया। हालांकि जो कर्फ्यू में ढील दी गई थी उसे हटा दिया गया था और अब आपको सड़कों पर अगर कुछ दिखाई देगा तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस का, प्रशासन का पहरा। हालांकि आपके पीछे दिखा, देखिए यहाँ बहुत सारे जो आर्म्स गार्ड हैं वो इस इलाके की हिफाजत कर रहे हैं। दरअसल पीछे से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की आवाज़ आ रही है, वो इसलिए क्योंकि अंदर बहुत सारे लोग हैं, सिविलियंस हैं, उनके और आर्म फोर्सेस के बीच में क्लैश हो रहा है क्योंकि वो बाहर निकल करके जाना चाहते हैं और कानून व्यवस्था बाहर रखना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती, इसलिए रह कर अंदर से जो है टियर गैस के जो धमाके हैं उसकी आवाज़ आ रही है। इस पूरे इलाके को आप देखिए कि पुलिस की जो फोर्सेस हैं उन्होंने घेर लिया है। मणिपुर की स्थिति पिछले 2-3 दिनों में जो हम शांति देख रहे थे, अचानक आज सुबह से जो स्थिति विष्णुपुर में हुई है, जो थोरबंद में हुई है, उसके बाद शहरी इलाकों में भी तनाव बढ़ रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था भी बढ़ रही है। मणिपुर में दो समुदायों के बीच अविश्वास और नफरत इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसके लपेटे में सुरक्षा बल भी आ गए। असम राइफल्स म्यांमार से जुड़े सीमाई इलाकों की हिफाजत करती है तो मैतेई समुदाय को लगता है कि वो कुकी समुदाय के साथ है, जबकि मणिपुर राइफल्स में मैतेइयों की संख्या ज्यादा बताई जाती है। आशुतोष मिश्रा, विष्णुपुर आज तक।